क्या पवन सिंह का आसनसोल से टिकट काटने के बाद बीजेपी खेलेगी उनके दुश्मन पर दांव। लेकिन एक समय ये दुश्मन पावर स्टार का बेहद करीब था। बीजेपी जताएंगी भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेस अक्षरा सिंह पर भरोसा। मीडिया में अक्षरा सिंह के हाई प्रोफाइल सीट आसनसोल से चुनाव लड़ने को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जब से पावर स्टार पवन सिंह ने अपने कुछ निजी कारणों का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है, तब से खबरों का बाजार गर्म है कि अब आसनसोल जैसी हाई प्रोफाइल सीट से बीजेपी की तरफ से कौन मैदान में उतरेगा। जो इंडिया गठबंधन के दिग्गज उम्मीदवार और मौजूदा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर 20 साबित होने का दम रखेगा, जिसकी तैयारियों में फिर से बीजेपी जुट गई है और इसी कारण बीजेपी अब फिर से इस सीट पर किसी स्टार उम्मीदवार को उतारने की जद्दोजहद में है। बता दें, कुछ मीडिया सूत्रों की माने तो भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह अब बीजेपी की तरफ से आसनसोल की चुनावी जंग में कूद सकती हैं। हालांकि अभी इस खबर पर बीजेपी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन अक्षरा सिंह के पिता ने कहा है कि अगर बीजेपी उनकी बेटी को चुनाव लड़ने का मौका देगी तो मेरी बेटी आसनसोल से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। अक्षरा सिंह कई बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर चुकी हैं। बता दें, अक्षरा सिंह की भी समय समय पर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं देखने को मिलती रही हैं। वो हाल ही में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की चुनावी अभियान जन सुराज से जुड़ी थी। जाते जाते आपको आसनसोल का सियासी समीकरण समझा देते हैं। दरअसल आसनसोल में बिहारी वोटरों की अहम भूमिका है। ये गैर बंगाली वोटर करीब 50% हैं। इसमें से ज्यादातर मूल रूप से बिहार झारखंड के रहने वाले लोग हैं। ये लोग कोयला खदान और स्टील फैक्ट्री में काम करते हैं और साथ ही भोजपुरी इंडस्ट्री की फिल्मों और गानों का इन पर कुछ ज्यादा ही प्रभाव देखा जाता है। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।